शादी एक पवित्र रिश्ता है। इस पवित्र रिश्ते के बंधन में दो परिवार बंध जाते हैं। अक्सर नवविवाहित दंपत्ति शादी के बाद कभी मायके तो कभी ससुराल का रुख करती है, लेकिन कुछ ऐसे समय और ऐसे महीने भी होते हैं जब नवविवाहिता को अपने मायके से तौबा करना चाहिए। इसे सीधे तौर पर उसके पिता को हानि होती है। मुहूर्त चिंतामणि और मुहूर्त मार्तंड धर्मग्रंथ में इसका उल्लेख है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि शादी के पहले साल नवविवाहित दंपत्ति और उनके परिवार वालों को कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसे ससुराल और मायके पक्ष पर आने वाली आफत दूर हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े विवाह मार्कंड के अनुसार विवाह के पहले चैत्र महीने में बेटी को अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। इससे उसके पिता को सीधे तौर पर हानि होती है। यह हानि कई तरह की हो सकती है। शास्त्र में विशेष करके मुहूर्त मार्तंड में और मुहूर्त चिंतामणि दोनों ग्रंथों में वर्णन आया है कि अगर चैत्र मास में अगर कन्या अपने पिता के घर रहती है तो पिता के लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। चैत्र मास जो है बहुत मंगलकारी मास माना गया है, उसको मधुमास के नाम से वेदों में कहा गया है। तो वह मधुमास है, वह पुनीत मास है। उस पुनीत मास में छह व्यक्ति को जो है विशेष करके अपना चैत्र मास में जो है कन्या को अपने जो है ससुराल रहना चाहिए। उसको कभी भी अपने पिता के घर नहीं रहना चाहिए। पिता के घर रहती है, अगर आ जाती है तो पिता के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। किस तरह की हानि हो सकती है? देखिए, कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं। धन की हानि हो सकती है, मानसिक हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है। हो सकता है उनके घर में कोई ऐसा व्यापार हो, व्यापार रुक जाए, कोई ऐसी व्यवस्था हो, व्यवस्था रुक जाए, मानसिक व्यवस्था रुक जाए, मानसिक स्थिति खराब हो जाए, रोग हो, शारीरिक रोग हो जाए, तो नाना प्रकार की पीड़ा और जो हो सकता है जमीन संबंधी समस्या विशेष करके उत्पन्न हो सकती है।